शुक्रिया। चिंता सफर का पैडम पैड मध्य चेंडू होता फुल खेला है पावरफुल एंड वंडरफुल चेंडू निगुन जाता है सीमा रेखा पलीकड़े षटकार कम ऑन डीजे शुक्रिया डीजे विघ्नेश आइए आकाश ने आपके लिए लगाई है इनामों की राशि बैक टू बैक तीन सिक्सर आपको लगाने हैं और आज हजार की तो नोट बंद हुई है मगर दो गांधी जरूर आपको मिलेगी हजार रुपए नकद इनामों की राशि आकाश की द्वारा दी जाएगी। वालों का एक बेहतरीन खिलाड़ी है मगर देखना होगा क्या इस मैदान में बल्लेबाजी हो पाएगी। बीच टाइम बैट का एक जगह गेंद मूर्ति भी निष्कालक फाइनल क्षेत्र में मतलब खिलाड़ी दो रन जरूर मिलेंगे। यह बल्लेबाजी के हौसला बुलंद वाले इनाम है दोस्तों क्योंकि यहां पर सब आप जानते हैं सातोली भीम लीग का महासंग्राम है और ये महासंग्राम के तमाम युवा खिलाड़ी हैं। थोड़े सीनियर हमारे देखने को मिलते हैं मगर दोस्तों बहुत ज्यादा युवा खिलाड़ी हमें देख रहे हैं। श्री शौर गेंदी पूल कर दिया पावरफुल वंडरफुल गेंद सीमा रेखा के बाहर छह रनों की रेफरार कम ऑन डीजे शुक्रिया डीजे। देखिए आपको इस गेंद को आप सीमा रेखा दिखानी है आप दो गांधी आपको आएगी। प्रवीण वाड़िनकर सर जी हमारे बीच उपस्थित है प्रवीण सर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वो क्रिकेट के चाहते हैं उन्होंने क्रिकेट को खेला है मगर आज इस मैदान पर ये बल्लेबाज अगर एक सिक्सर जड़ता है तो हजार रुपए आ जाएंगे। दोस्तों आज फ्राइडे है शेयर मार्केट बढ़ा दीजिए और बढ़ जाएगा क्योंकि आपका एक सिक्सर आपके खीसे का बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा आपको पार्टी करने इंजॉय मिल जाएगी। संडे तो जरूर आप पार्टी करेंगे मगर आज कौन पार्टी करेगा ये हमारे मेहमान आपको कराएंगे पार्टी। अगली गेंद शॉर्ट गेंद दी फिर से मिस टाइम बैट का हिट लगा गेंद जाती विश्व अठरमान फाइनल क्षेत्र में। कभी मैं बोलता हूं ना दोस्तों कभी आप हर गेंद को सिक्स नहीं लगा सकते हर गेंद को आप चौका नहीं जोड़ सकते हर गेंद को सिंगल डबल में भी रोटेट करना चाहिए बेसिक क्रिकेट की नहीं भूलना चाहिए। और दोस्तों इसे आप भूल गए तो आप क्रिकेट से बहुत दूर चले जाएंगे क्योंकि अच्छी गेंद का सम्मान और बुरी गेंद का अपमान करिए ये तो क्रिकेट का रस है और यही क्रिकेट सिखाता है कि अच्छी गेंद को अगर आपने सम्मान दिया है तो अगली गेंद आपको खराब मिलेगी उस पर आप फायर कर सकते हैं बड़े शॉट के लिए जा सकते हैं मगर अच्छी गेंद पर आप बड़े शॉट के लिए गए तो आपको क्या देखना पड़ेगा डगआउट आराम करने के लिए मैदान के अंदर फिर बल्लेबाजी नहीं हो पाएगी ये क्रिकेट है। सभी हमारे मेहमान सभी यहाँ के निवासी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों के बीच एक लाजवाब प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं एसपीएल 2023 बेहतरीन शॉट ये देखिए इंटरनेशनल का शॉट है और दोस्तों कॉपी बुक शॉट यहाँ पर क्रिकेट का ताजा होता हुआ कम ऑन डीजे शुक्रिया डीजे। दोस्तों दो ओवर के बाद पानी जरूर अंदर आएगा हमारे ऑफिशियल अंपायर हैं मुंबई एशियन जब प्रहार अंपायर और वाकई में दोस्तों बहुत मेहनत के बाद ये तमाम पदवी मिलती है क्योंकि आप क्रिकेट के अंदर भी जाए आज देखिए हम भी ये मंच पर हैं बहुत मेहनत के बाद हमारे ये मंच मिले हैं। और दोस्तों जब हम छोटे थे नारंगी के अंदर टूर्नामेंट के लिए गए थे जब हम खेल रहे थे मगर जब वहां नारंगी के तमाम दर्शकों से बात की गई उसमें तुकाराम मांगरे सर जी का बड़ा एहसान जिन्होंने हमें कहा कि यल आइए आपका वेलकम है ऐसे हम कॉमेडेटर ढूंढते हैं समालोचन ढूंढते हैं। और जब से हमारे करियर शुरुआत हुई और दोस्तों एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया वो तमाम नारंगी के तमाम मेम्बरानों ने उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़े बड़े समालोचकों के साथ बैठ के कॉम बॉक्स में मौके मिले। और दोस्तों ये आज इतना बड़ा मंच मिला ये तमाम नारंगी का भी एहसान है। बांदा में जब हम छोटे थे शुरुआत की थी मगर नारंगी से असली शुरुआत
इस कॉम बॉक्स से हमारी शुरुआत हुई। और दोस्तों एक लाजवाब क्रिकेट प्रेमी जरूर 7 तारीख से क्रिकेट का महासंग्राम भी नारंगी के मैदान पर आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीसी ट्रॉफी रन संख्या कौन के समाप्ति के बाद सब इस मैच के बाद हमें आपको दे देंगे। राकेश यादव गोलंदाजी करना साड़ी विघ्नेश पुरजा चेडू खेना साड़ी छज्जा सुंदर फड़ का शॉर्ट चेंड पूल पावरफुल वंडरफुल और चेडू नहीं गुंदा तो सादा बंदाड़ी कमांडी इधर शटगार धन्यवाद डीजे। ये बल्लेबाज को गेंद मिलती है ये रडार मध्य चेंडू होता आणि चेंडू रडार मध्ये असल्यानंतर बैट वर आला आवाज आला कडक करून तो चेंडू निघून जातो मिड विकेट क्षेत्रामध्ये 6 धावांचा आडी षटकार। धाव संख्या होती 27 पाडील नेटवर्क कव्हरेज आपण पाहतोय मित्रांनो चांगलं कव्हरेज चांगलं आयोजन निवेदन आपल्याला पाहायला भेटतोय। सातोली पिंपरी 2023 हा महासंग्राम महोत्सव आज सुरुवात झाली या महोत्सवाला रविवारी आपण या सामन्याचा ग्रीन फायनल दिवस मानणार आहोत आणि रविवारी या सामन्याचा बिग अँड द बिग का ग्रीन फायनल कोणता संघ जिंकेल कोणत्या संघाच्या हातामध्ये ही चम समाधी ट्रॉफी आपण बनणार आहोत मित्रांनो। 47 धावांचं आव्हान आहे 27 धावा झाल्यात 20 धावांची अजूनही गरज लेक्समच्या खूपच बाद चेंडू पंतवर्तीन पंतांचा इशारा आव्हान तर धावाने संघाची धावसंख्या अख्खा आणि धावसंख्या धावून होते ती 28 28 धावा क्या बल्लेबाजी। चलिए आइए एक बेहतरीन आवाज इसी भरोसा मजे है वालू की हमारे बीच है झूरती भी चंदो चौहान सर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मंच का मौका दिया ये तमाम कमेटी मेहमान की जानिब से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन शॉट गेंद आउटसाइड मिड विकेट पर वन बाउंस गेंद सी मारे के बाहर 4 रनों की फरार मिलेंगे रन 4 होगा बेड़ा पार कमांड डीजे वेगवान चेंडू होता एक तेरी तो एक मेरी असं मैदान दरम्यान म्हटलं जातंय। परशुराम मोकाशी यांच्याकडून पारितोषिक आले विघ्नेश करता जर मॅच फिनिश केली आणि आपला संघाला जर विजय मिळवून दिला 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि तसेच सिक्सच्या हॅट्रिक करता देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे टोटली सही का संतोष चव्हाण अरे 20 टाइम शॉट आहे गेंदने ऊंचाई जा वाली है ये कैच बनेगा मैच बनेगा मगर लॉन्ग विकेट गिरती हुई गेंद दोनों खिलाड़ी देखते रह गए मगर दोस्तों देखते देखते महबा ये देरी भी हो जाएगी क्योंकि आप ये लीग खेल रहे हैं अगर ये नकआउट मुकाबले रहे थे तो आपके दरवाजे आज बंद किए जाते और दोस्तों ये दरवाजे बंद होंगे तो फिर 1 साल वो दरवाजे के लिए खटखटाना पड़ेंगे 365 दिन और दोस्तों 1 साल के बाद ये टूर्नामेंट आएगा 2024 में क्या कहेंगे संतोष चव्हाण आप इस मैदान पर सर झेल टिपना गरजेचं आहे जर तुम्ही लीग मॅचेस खेळताय तर तुम्हाला संधी मिळते पण संधीचं सोनं करता आलं पाहिजे त्या प्रकारे यावेळी जे केल फुल टॉस चेंडू पाठी मागे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे त्याच्या डोक्याच्या वरून चेंडू जातोय आर पार सीमारेषा पार सातवली प्रीमियर लीगचा ब्रँडेड चौकार ब्रँडेड विघ्नेशच्या बॅटमधून आणखी एक दणदणीत खरखरीत चौकार शुक्रिया डीजे थैंक्यू संतोष आपने कहा कि यहाँ पर आप विघ्नेश हैं आप गेंदबाजों को सोचना होगा कि ये बल्लेबाज हमारे इसको जा पता हुआ 48 रनों का लक्ष्य 10 रनों की दरकार है मगर क्या विघ्नेश इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए बनते हुए घातक क्योंकि अब गेंदबाज दे रहे मौके ये शॉर्ट गेंद थी पहले ही बल्ला घुमा बाद में गेंद ट्रैवल होती हुई ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त 12 गेंदे 10 रनों की दरकार है मैदान के अंदर जाएगा पानी
चलिए दोस्तों क्या इस मैच की बदल जाएगी कहानी, मगर आप कहां आ जाइए, आप देख रहे हैं सातोली प्रीमियर लीग 2023 का महासंग्राम महोत्सव, देखते रहिए, हम चले और ऐसे आएंगे कमांडीज। सलाम साईराम सर्वांना, साईराम शुभ सकाळ, सर्वांना विनंती असेल की चला जास्त घाई करा खेळाडूंनो, कारण की आपल्याकडे वेळ कमी आहे। आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला 12 मॅचेस 12 सामने कंप्लीट करायचे आहेत। रोहित कांबळे यांचं आगमन झालंय, मोस्ट वेलकम रोहित, आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल, आमचे स्कूल आणि कॉलेज फ्रेंड। सही का संतोष चव्हाण आपने कि इस मैदान पर आपका योगदान बहुत बड़ा है, इस टूर्नामेंट को आप सफल बना सकते हैं, आप 4 चांद लगा सकते हैं, ज्यादा देरी होगी तो आपके मुकाबले रुकेंगे, फिर ओवर की कटौती भी की जाएगी। आज 12 मुकाबले गिराने तो ये दूसरा ही मुकाबला हम देख रहे हैं, इसके बाद तो 10 मुकाबले आने बाकी हैं और घड़ा में बच चुके हैं 11:50 मित्रांनो। थोड़ी सी गाई करा, अपना साड़ी 20 मिनट दिली आहे, त्या 20 मिनिटांमध्ये एक विनिंग पूर्ण करा, आपण या सरकार केलं ना तर ही स्पर्धा सुंदर पद्धतीने आपण पार पाडू, हे लक्षात ठेवा। क्या कहेंगे, 12 गेंदे और 10 रनों की दरकार है सर, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, म्हणजे जातात मतलब तर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल। अकुट टप्प्याचा चेंडू होता, चेंडूला पुल केलाय, चेंडू जातोय घोषांकित डिक्लेरेशन झोन मध्ये एका धावे करता, आणि एक धाव मिळेल, एका धावेच्या व्यतिरिक्त दुसरं काय मिळणार आहे, विजय करता आणखी 9 धावांची आवश्यकता असेल। आपण ग्राउंडची शैली जर बघितली तर सर ग्राउंड सी टाइप आहे, जशा प्रकारे क्रिकेटचा क्लासचा सी असतो तशाच प्रकारे सी टाइपचे ग्राउंड आहे, त्याच कारणास्तव पाठी मागे बाउंड्री नाही आहेत, त्याच कारणास्तव गोलंदाजांना देखील बेनिफिट आहे, छोटी बाउंड्री आहे, आणि तसेच खेळपट्टीचा विचार केला तर 22 पावलांची खेळपट्टी आहे, तर गोलंदाजाला वेग पहिल्या चेंडूपासून प्राप्त होणं गरजेचं आहे, पण त्याच्याकरता तुमच्याकडे लाईन आणि लेंथ परफेक्ट महत्वाची पाहिजे। सही का संतोष आपने, वो लेन लाइन से आप गेंदबाजी करेंगे तो इस मैदान पर सफल गेंदबाजी कहलाए जाएंगे, मगर दोस्तों थोड़े से आप दिशाई से भटकेंगे तो आपको पड़ेंगे फटके। आणि सर तसेच प्रकारे जर म्हटलं तर इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान चेंडू जर कोणी हाताळला असेल तर शोएब अख्तर पाकिस्तानचा गोलंदाज, ज्याने की 161.7 प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंद फेंकी थी, यानी कि एक बेहतरीन गेंदबाज थे और उनका आज तक रिकॉर्ड बरकरार है, आज तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद को पुल किया है और गेंद चली सीधा मैदान के बाहर, और शायद 2 रन मिलेंगे, 2 रन के अलावा दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर देखा जाए तो जो ग्राउंड का जो व्हाइट पट्टा है, मतलब व्हाइट जो पर्दा मारा है, उसके अंदर जब अगर गेंद रहेगी तो शायद चौका या छक्का मिल सकता है, लेकिन जो कि व्हाइट पर्दा था उसके बाहर से गेंद गई तो सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे, दो किस दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं। फिर से गेंदबाज चले अपने ओर की अगली गेंद लेकर, इस बार गेंद को उड़ाया और भेज दिया सीधा तारामंडल में, ये भी गेंद चली विदाउट टिकट हवाई यात्रा पर, एक और बेहतरीन सिक्सर, सातवें प्रीमियर लीग सीजन 2 का एक और बिग ब्लास्ट। सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है, जीत के लिए सिर्फ 1 रन की दरकार, पर जीत के मोड़ पर आकर पहुंच चुकी है, सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो गेंदबाज छोटेलाल यादव इनका आगमन होता हुआ, मोस्ट वेलकम छोटेलाल भाई, आपका भी दिल के एक इस्तकबाल से आपका हार्दिक स्वागत करेंगे हम। बड़े बड़े मेहमानों का आगमन होने जा रहा है दोस्तों, उनका भी स्वागत है, और ये मेहमानों के स्वागत में बड़े बड़े शॉट भी देखिए, और विजेते बनने जा रही है टीम। चलिए विघ्नेश आपके लिए आई है गांधी, और ये रिवर्स आपने सीधे उंगली से घी निकाला है, ये टारगेट अगर बड़ा होता ना तो ये शॉट भी आपके लिए घातक होता, क्योंकि आप छोटी रन संख्या को पार कर रहे हैं, गेंदबाज थोड़े से कमी पड़े हैं, अगर गेंदबाजी अच्छी होती आप 2-3 विकेट डगआउट में आराम फरमा होते, ये शॉट के लिए नहीं जाते आप। सीधी उंगली से घी जब निकले तो सीधी उंगली से निकाले, उंगली तेरी कर दी तो उंगली भी बॉटल में आपकी फंस जाएगी, और दोस्तों ये मुकाबला भी फंसेगा, विजेता होता हुआ टीम गौदी फाइटर टीम ने ये मुकाबला जीत लिया, और वाकई में हमारे
चलिए आइए, आपके लिए 500 रुपए का इनाम आया है, हमारे डगाड में आइए, आपको लेकर जाने होंगे। अच्छे बल्लेबाजी, न्यू मैच की शुरुआत, जैसे जैसे मुकाबले समाप्त होंगे आपको हाथ मिलाना ही होगा। हार जीत का फैसला दोस्तों लगा है, मगर सेकंड करा अशी तुम्हाला विनंती करतो है। मैदान आता आणि दोन्ही संघ तेव्हा मैदानातून बाहेर या अशी तुम्हाला विनंती करतो है। एक चांगली स्पर्धा सातोली प्रीमियर लीग 2023 चा महासंग्राम महोत्सव कुठला जातोय, मेळा आहे, लूट लो मेला, ये मेला लूट लिया तो आप अगले साल भी इस मेले में एक लाजवाब प्रदर्शन कर पाएंगे दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि साल साल 365 दिन कौन गिनेगा, कौन आएगी ये संदो। सर सामन्याचा मानधमाचा मानकरी ठरला जातो, विघ्नेश 12 चेंडूंमध्ये 32 धावांची आक्रमकता दाखवली, विघ्नेश मानधमाचा मानकरी ठरला, तसेच पहिल्या मॅचचा देखील आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे वळणार आहोत। सर पहिल्या मॅचचा मानधमाचा मानकरी ठरला तो प्रज्ञेश आणि दुसरा सामन्याचा ठरला जातो तो रोहन, माफ करा दुसरा रोहन आहे। चलिए दोस्तों मैन ऑफ मैच हमारी कमेटी निर्णय ले रही है, उसके बाद आपको घोषित किए जाएंगे। मैच बॉल दिया गया है, मैच की शुरुआत होगी, थर्ड मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। आणि तसेच विघ्नेश आपण देखील इथे आपल्या करता देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। सन्माननीय आदरणीय छोटेलाल यादव साहेबांच्या सुवास्त मॅन ऑफ द मॅच जी ट्रॉफी आहे ती दिली जाईल। चला यायचं आपण, चला छोटेलाल यादव अपना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते जे की मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आहे ती द्यायची। प्रज्ञेश पहिल्या सामन्याचा हिरो ठरला होता, चलिए 2 मिनट सामना थांबवा दीपक सर, काय कमिटीचा निर्णय आहे लक्षात ठेवा। दोन्ही संघाला विनंती करतो एक एक आपला प्रतिनिधी समालोचन पेक्षा मध्ये येऊन द्या। यस थँक्यू, थँक्यू सर। छोटेलाल यादव जी से हमारी दरखास्त की आप आ जाइए यहाँ पर टॉक्स बॉक्स में, और जो कि पहले मैच का हीरो बन गए थे यहाँ पर प्रज्ञेश, मैन ऑफ द मैच बने थे, उनको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देकर नवाजा जाएगा, जो कि उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 27 रन बनाए थे और एक विकेट गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, वन मैन आर्मी अपनी टीम को लेकर गए थे। चलिए प्रज्ञेश आप भी आइए और छोटे लाल जी यादव आप भी आ जाइए। सन्माननीय आदरणीय छोटे लाल जी यादव साहेबांच्या सुवास्ते जे की मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आहे ती प्रज्ञेशला दिली जाईल, याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये। चलिए मॅच ची सुरुवात होती भी। एक तरफ सद्दाम और एक तरफ परशु और किरण, तीसरे मुकाबले की पहली गेंद राइट एम ओर से गेंदबाजी करने से गेंदबाज, बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर ऑन फील्ड के ऊपर से खेल दिया, डीप लंबा कवर की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार, कम ऑन डीजे। थैंक यू डीजे। आणि तसेच अनिल गडकरी साहेब त्यांच्या माध्यमातून कोल्ड ड्रिंक्स दिल्या जातात, तसेच प्लेयर ऑफ द मॅच ला मॅन ऑफ द मॅच च्या खेळाडूला एकदा जोरदार टाळ्या झाले पाहिजे प्रज्ञेश करता। आणि तसेच दुसरा मॅन ऑफ द मॅच बाकी होता, आणि तसेच रोहन मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय गावदेवी फायटर्स संघाचा, रोहन याला विनंती असेल आपण मुख्यमंत्र्यांच्या
समोर यायचं टॉस बॉक्स मध्ये. रोहन आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर लवकर यायचंय. मॅच चालू आहे रोहन, जरा घाई करा. आणि तसेच विघ्नेश त्याला देखील विनंती असेल आपण देखील यायचंय. आपल्याकरता देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. चलिए विघ्नेश जल्द से जल्द आ जाइए. मैच की शुरुआत हो चुकी है, आप हमारी आवाज पर जल्द से जल्द आएंगे तो ये बेहतरीन मुकाबले आपको देखने को मिल जाएंगे. सुकूर भुजड़ साहबांचा शुभ हस्ते. अपन पहिली गेंद पर आए थे चौखा, दूसरी गेंद आई बिंदी, तीसरी गेंद आई बिंदी. सर अपने विघ्नेश साहब बघता आहेत चांगले आक्रमक खेळी खेळली होती. 12 चेंडू मध्ये 32 धावांची विस्फोट गेली. तसेच जुना बॉल सब जमा करके रखो लगेगा बॉल. सुंदर सा चेंडू बॅकफुट वर डाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न होतोय, चुकतोय फलंदाज, चेंडू जातोय इक्षातामध्ये. निर्धाव चेंडू जी सामना, डॉट बॉल. पहिला षटक चालू असताना तीसरा सामना पाहतोय उशीर आलेल्या पेक्षांचे माहिती झाडी पाटील नेटवर्क से तमाम दर्शक जुड़े हैं उनके माँ उनका भी बताता चलू. ये तीसरा मुकाबला आज के दिन का सर सातोली प्रीमियर लीग 2023 खेला जा रहा है. ओटू सन्मान्य आदरणीय अंकित यांच्या माध्यमातून देखील रोहन करता पारितोषिक आलं होतं. रोहन करता 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि तसेच ते परिधान केलं जातंय रोहनला. वेल प्लेड रोहन. आणि तसेच मनोदमांचा मानकरी ठरला होता. थँक्यू सन्माननीय आदरणीय सुकूर भुजड साहेबांना. विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. आपला शुभ हस्ते जे की मानाचा मॅचची